हेलो गाइस, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएसबी के न्यू सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं एसएसबी एएसआई हेड कॉन्स्टेबल एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2018। फ्रेंड, जो आपका सिलेबस है अभी हाल ही में आया हुआ है, जो मैंने अभी साइट पे देखा, जो आप साइट देख रहे हैं दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने एसएसबी का फॉर्म फिलअप कर रखा है उनके दो पेपर होने हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, आपके दो पेपर होने हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, उसके सिलेबस आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आपके फर्स्ट पेपर में आपसे जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, एंड सेकंड नंबर पे आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे दोस्तों। एंड थर्ड ऑप्शन में दोस्तों आप देख रहे हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। फ्रेंड्स, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से आपसे एक ऑप्शन आपको चूज करना है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन सोल्व कर लो या हिंदी में कर लो दोस्तों, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं जनरल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए इसको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा इसमें। एंड फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पेपर। फ्रेंड्स, जो आपका सेकंड पेपर होना है दोस्तों, आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के बेस पे होना है। इसमें अभी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, एंड इसके लिए आपको टाइम मिलेगा दोस्तों 2 घंटे का, ठीक है, फर्स्ट पेपर की तरह ही। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, आपसे जनरल नॉलेज से इंडियन इट्स एडिशनल कंट्री से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, एंड फ्रेंड्स करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नीचे इंडियन हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, एंड स्क्रिप्ट से और बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों, और करंट करेंसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। आपसे मैथ्स से कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम। आपसे नंबर सिस्टम से एक जगह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एंड रेशियो प्रोपोर्शन से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, परसेंटेज से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से दोस्तों आपसे इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, पार्टनरशिप से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका मैथ का सिलेबस है फ्रेंड्स, ठीक। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के बारे में। दोस्तों, आपसे इंग्लिश में कम्प्रीहेंशन सबको सोल्व करना पड़ेगा, एंड फ्रेंड्स वर्ड नॉलेज आपको पता होने चाहिए, लेटर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी वहाँ पे, आपको एंटोनियम सिनोनियम आपको याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम आपसे पूछ लिए जाएंगे, यूज ऑफ वर्ड्स आएंगे आपके पेपर में, एंड फ्रेंड्स सिनोनियम आपसे पूछ लिए जाएंगे, इडियम फ्रेजेस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और रेफरेंस सेंटेंस करेक्शन मतलब दोस्तों पीक्यूआर जिन्हें बोलते हैं आपको वो भी आने चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इसके रीजनिंग के बारे में दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड, रीजनिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, विजुअल मेमोरी। दोस्तों, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इन चैप्टर्स के बारे में ये सब आपको आना चाहिए आपके पेपर में, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड पेपर के बारे में, जो आपका टेक्निकल बेस पे होना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आपसे इसमें फिजिक्स में से आपसे लॉज ऑफ मोशन आपसे पूछ लिया जाएगा, टर्मल प्रोटेशन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी आपसे पूछी जाएगी दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे आप। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को जूम करके, फ्रेंड्स आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे आराम से देख लीजिए, आप वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है। आप आराम से देख लीजिएगा आपसे फिजिक्स में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। हर एक में से आपसे 2 या 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दोस्तों, बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, आपसे केमिस्ट्री में से आप देख रहे हैं यहाँ पे द ब्लॉक एलिमेंट्स बायोमोलेक्युलर सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को थोड़ा जूम कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। आप पॉलीमर्स से आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपने फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़ा था ना प्लस टू क्लास में दोस्तों, उन सब में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा टफ लेवल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल कम लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको जो अपने प्लस टू में पढ़ा था दोस्तों, सारा उनमें से ही आएगा, ठीक है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। और आपको मैं बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है सभी आपको मेरे चैनल पे जरूर मिलेगी। एंड फ्रेंड, थैंक यू सो मच।